हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अशोक बसवानी, यानी अशोक बसवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अशोक बसवानी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अब देखिए, निखिल जोशी ये कौन है? बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं। वीरेंद्र बंसल ये SBI कैपिटल के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और संजय कुमार जैन ये IRCT के CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अब देखिए, हाल ही में नियुक्त किए गए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ओल्जोस बेक्टेनोव काजिकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। न्यायमूर्ति बिजोई बिश्नोई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपने नए देश निर्देशक के रूप में मियो ओका को नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान के नए महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना उप प्रमुख यानी आर्मी वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अनिल कुमार लोहाटी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। और राष्ट्रपति ने श्री सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए हैं। न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी है। मणिन्द्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चक्रधारी शरण सिंह ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आलोक आराधे को नियुक्त किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है प्रदीप कुमार सिन्हा, यानी प्रदीप कुमार सिन्हा को ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रदीप कुमार सिन्हा। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, यानी ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अब देखिए, अनीस शाह फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आनंद कृपालू स्विगी के अध्यक्ष एवं स्वतंत्र निर्देशक बने हैं। और प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं। अब देखिए, हाल ही में नियुक्त किए गए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नवीन तैलियानी को टाटा डिजिटल का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। ओल्जोस बेक्टेनोव को काजिकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। एशियाई विकास बैंक ने मियो ओका को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान के नए महाअधिवक्ता के रूप में यानी एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी रिपोर्ट में फ्रांस शीर्ष स्थान पर है, इसमें भारत का क्या स्थान है? और इसका सही आंसर है 85 यानी 85। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी रिपोर्ट में फ्रांस शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान 85 है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 85। प्रथम स्थान पर कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। द्वितीय स्थान पर फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। तीसरा स्थान पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, क्लेजमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम।
अब देखिए हाल ही में जारी किए हुए इंडेक्स की सूची, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पर है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में, करेक्ट कर लीजिएगा, 2023 में भारत 80वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत 103वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु ओपन टेनिस 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है इटली के स्टाफानो नेपोलियटानो, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी बेंगलुरु ओपन टेनिस 2024 का पुरुष एकल का खिताब इटली के स्टेफानो नेपोलिटानो ने जीते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्टेफानो नेपोलिटानो। और इसके उपविजेता कौन रहे? दक्षिण कोरिया के सियोंग गोचान होंग। पुरुष, अभी हाल ही में पुरुष युगल में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है ओपेनहाइमर को मिला है, यानी बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है, यानी डायरेक्टर्स अवार्ड? और इसका सही आंसर है ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी क्रिस्टोफर नोलन को बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में निर्देशक का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में अग्रणी अभिनेत्री यानी लीडिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है सिलियन मॉर्फी, यानी बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में अग्रणी अभिनेता यानी लीडिंग एक्टर का पुरस्कार लियोनन मॉर्फी को मिला है ओपेनहाइमर के लिए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिलियन मॉर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में अग्रणी अभिनेत्री यानी लीडिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है एम्मा स्टोन को मिला है पोर थिंग्स के लिए, यानी बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में लीडिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार एम्मा स्टोन को मिला है पोर थिंग्स के लिए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एम्मा स्टोन पोर थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजबूत शिक्षार्थी केंद्रित और उद्योग तैयार पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा का पहला कौशल भारत केंद्र उद्घाटन कहाँ करेंगे? और इसका सही आंसर है संबलपुर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संबलपुर। यानी एक मजबूत शिक्षार्थी केंद्रित और उद्योग तैयार पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर है काठमांडू नेपाल में, यानी 16वां वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 का आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 और 22 फरवरी को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? और इसका सही आंसर है बी, मुरलीधरन। यानी 21 और 22 फरवरी को ब्राजील के
रियो डी जेनेरियो में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत का प्रतिनिधित्व बी मुरलीधरन करेंगे और बी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने नए एम्स का उद्घाटन करेंगे, और इसका सही आंसर है 6, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नए एम्स का उद्घाटन करेंगे। 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में और 25 फरवरी को गुजरात के राजकोट, मंगलगिरी, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी में अन्य 5 एम्स का उद्घाटन करेंगे, जिसकी नींव फरवरी 2019 में श्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण गुवाहाटी में शुरू हुआ है, और इसका सही आंसर है 4, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4 संस्करण गुवाहाटी में शुरू हुआ है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4, और इसमें 219 यूनिवर्सिटियाँ भाग लेंगे, और इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है, अष्टलक्ष्मी, इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा, यानी इसका मैस्कट क्या है, अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ शुरू हुआ है, और इसका सही आंसर है श्रीलंका, यानी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय आवास परियोजना के 4th चरण के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। मकानों के निर्माण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में श्रीलंका यात्रा के दौरान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है 20 फरवरी को, यानी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी 20 फरवरी। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का थीम क्या है, ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग अलायंस, यानी अंतराल पटाना और गठबंधन बनाना। अब करेंट अफेयर्स, 19 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। कोतर ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, और इसका सही आंसर है इगा स्वियातेक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए इगा स्वियातेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, और इसका सही आंसर है ज्योति याराजी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए ज्योति याराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के तेहरान में आयोजित एशियाई इंडो एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में 1500 मीटर में हरमलिन बेंस ने कौन सा पदक जीते हैं, और इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के तेहरान में आयोजित इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के शॉटपुट में भारत के तजिंदर पाल सिंह, करेक्ट कर लीजिएगा, तजिंदर पाल सिंह तूर ने कौन सा पदक जीते हैं, और इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से अधिक देशों की नौसेना अभ्यास मिलान का आयोजन 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक कहां होगा, और इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया के शाह आलम में आयोजित बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने जीते हैं, और इसका सही आंसर है भारत,
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, और इसका सही आंसर है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह और समुद्र अवलोकन के लिए अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत मौसम उपग्रह इनसेट 3D को किस जियोसिंक्रोनाइज लंच कहां से श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष वाहन से रवाना किया गया है, और इसका सही आंसर है GSLV-14। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमला वीपाई विश्व कंकणी कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर है RS भास्कर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा DRS भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु ओपन टेनिस 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, और इसका सही आंसर है साकेत मैनेनी और राम कुमार रामनाथन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के काहिरा में आयोजित FIG कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण विश्वकप 2024 में महिलाओं की वर्ल्ड स्पर्धा में भारत की प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता है, और इसका सही आंसर है कांस्य पदक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी कांस्य पदक, और भारत के दीपा कर्मकार का स्थान 5वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन दूसरे भारतीय गेंदबाज बने, दुनिया में इनका स्थान क्या है, और इसका सही आंसर है 9वां स्थान है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट मैच क्रिकेट में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और इसका सही आंसर है यशस्वी जसवाल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री श्री मित्सोटाकिस भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, और इसका सही आंसर है ग्रीस, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर है प्रशांत कुमार, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने देश का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, और इसका सही आंसर है 26,70,00,00,000 अमेरिकी डॉलर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के धूल जिले में पहला बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर का नाम क्या है, और इसका सही आंसर है अष्टलक्ष्मी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता इम्तियाज कुरैशी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे, वो एक प्रसिद्ध शेफ थे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता चौधरी का 67 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थी, वो एक अभिनेत्री थी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी।